सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मयस्सर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा तालुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। करम न कोई सितम, रहेंगे न तुम रहोगे न हम रहेंगे, कसक दानियाल। दानियाल उठ जाए, प्लीज उठ जाए। मैं आपको दूसरी बार उठाने आई हूं, आप लेट हो रहे हैं। क्या मुसीबत है, क्यों तंग कर रही हो? सोने दो मुझे। दानियाल प्लीज उठ जाए, लेट हो रहे हैं आप, 8 बज गए हैं। आठ बज गए, मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे जल्दी उठा देना है। 10 बजे इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। जरा जिम्मेदारी नहीं तुम पे, छोटा सा काम नहीं होता है तुमसे। वो मैं पहले भी आपको उठाने आई थी, आप उठे नहीं थे। उठो नहीं मैं, और तुम वापस चली गई, हिला के उठा देती मुझे। एक बार पहले भी आपको हिला के उठाया था तो आप नाराज हो गए थे। हाँ सही है, बस एक ही बात को पकड़ के बैठ जाओ तुम। उस दिन मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं थी, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें कि कौन सा काम किस तरह करना है। जाहिलों की तरह बहस करना शुरू हो जाती हो। दानियाल उठ गया? जी। क्या हुआ है? फिर उसने कुछ कह दिया है तुम्हें? नहीं, वो क्या कहेंगे? वो कब कुछ कहता है? ये उदासी तो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा से थी शायद। दानियाल के साथ ने थोड़ी सजाई है तुम्हारे चेहरे पर। हाँ बेटा, रुख तब्दील करने से तुम अपनी उदासी मुझसे नहीं छुपा सकती हो। छोड़ें पप्पू, सब शौहर अपनी बीवियों को उनकी गलतियों पर डांटते तो हैं। इस तरह
कर ना करें, ठीक हो जाएंगे। कब ठीक होगा? शादी को 10 साल होने को हैं। तो आप भी ना बहुत हसास है और आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए आप परेशान होती हैं। बेटा उसे कदर नहीं है तुम्हारी। तुमने एक अखबार की तरह उसकी जिंदगी में, उसके घर में एक तवाजुन, एक तरतीब पैदा कर दी है। एक मर्द को क्या चाहिए और? एक साफ सुथरा पुरसुकून घर, एक ताबेदार बीवी, एक प्यारी औलाद, किस चीज की कमी है उसके पास? होगी तुम? चलो तुम उदास मत हो, वरना मैं भी उदास हो जाऊं। फंसी नहीं उठा? उसने ऑफिस नहीं जाना आज? क्या तैयार हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आज तो बड़े जोरदार किस्म के लग रहे हैं। I know, कोई नई बात करो। आप तो हमेशा डैशिंग लगते हैं। लेकिन तुम भी थोड़ा सा अपना ख्याल करो कि क्या ओलिया बना के ऑफिस जाते हैं, क्या ड्रेसिंग है। ना आपकी तरह तो नहीं ड्रेसिंग कर सकता ना। खैर अब तो मेरा मुकाबला नहीं करो तो बेहतर है। इसे जल्दी तैयार नहीं कर सकती हो, हमेशा मुझे ऑफिस से देर हो जाती है। सॉरी दानियाल, नाइंदा से जल्दी उठा के टाइम पे तैयार कर दूंगी। बाबा अब मामा को क्यों डांटते हैं? मामा की गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैंने तैयार होने में देरी कर दी थी। चुप करो सर, आप गाड़ी में बैठो। ये लो तुम्हारी चाय। तुम्हारा ब्लड टेस्ट हो गया ना तो खून के बजाय चाय दौड़ी होगी तुम्हारी रगों में। तुम्हारी बीवी आए और मेरी जान छुटे तुम्हारी चाय बनाने से। भाई से फुर्सत मिल जाए तो मुझे कपड़े आके निकाल देना। आपके कपड़े तो मैं रोज प्रेस करके रख देती हूँ। जानता हूँ कितनी एफिशिएंट हो तुम। किस रहा मेरे बगैर कहे पहले ही सारे काम कर लेती हो। इन कपड़ों की बात नहीं कर रहा, दूसरे कपड़ों की बात करो, डिनर पे जाना है और तुम्हें भी चलना है साथ। पता नहीं क्यों इनवाइट कर लेते हैं तुम्हें। दानियाल क्या हो गया है, बीवी से इस तरह बात करते हैं बेटा? मम्मी बीवी ऐसी हो तो ऐसी बात करते हैं ना। बीवी की इंसल्ट करना दरअसल अपनी इंसल्ट होती है बेटा। रहने दे आप इन बातों को। मुझे तुम्हारा इस तरीके से फंसी के साथ घुसे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। फंसी बस
कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर लेता है। प्रॉब्लम्स? अच्छा, उसे क्या प्रॉब्लम्स है इस घर में? इतने बड़े घर में रहता है, उम्दा खाने खाता है, अच्छा लिबास पहनता है, और क्या चाहिए उसे? दानियाल, दूसरे का घर चाहे सोने या चांदी का बना हो, इंसान उसमें चोर ही बना रहता है। तुम दोनों बहन भाई ना शुक्र है और कुछ नहीं। और मेरी किस्मत देखो, मुझे एक के साथ एक फ्री मिला है। अच्छा बताइए, मैं आपके लिए कौन से कपड़े निकालूं? तुम हमेशा ना समझी रहोगी। तुम्हें नहीं पता डिनर में जाते हुए किस तरह के कपड़े पहनते हैं। और खुदा के लिए अपने कपड़े भी मेरे सामने ही निकाल लेना, पता नहीं कैसे कपड़े निकालोगी। कामरान की एनिवर्सरी है और मेरा भाभी ने स्पेशल ताकीद की थी तुम्हें लाने की। क्या मेरा वहां जाना जरूरी है? हाँ है, तभी लेके जा रहा हूं। मना तुम्हें लगता है कि मुझे शौक है तुम्हें साथ लेके जाने का? फिर अम्मी हर वक्त मुझसे कहती रहती है कि मैं तुम्हें कहीं साथ लेके नहीं जाता। मैं आपके कपड़े निकाल के लाती हूं। 10 साल से सिखा सिखा के थक गया हूं तुम्हें, तुमने सीख के नहीं दिया। वाह मम्मा, यू लुक गॉर्जियस। बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी बेटी। क्यों बिना वजह के कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है अम्मी? मैं सही कह रही हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही है उस साड़ी में। तो ये कहे ना कि साड़ी खूबसूरत लग रही है। फजूल बातें मत करो, खुशी खुशी ले जाओ अपनी बेगम को अपने साथ। बिला वजह अपने साथ नहीं ले जाते। लेके तो जा रहा हूँ अम्मी, अब क्या करूँ, उसे सर पे बिठा लूँ? चलो, ऑलरेडी देर हो गई है। दादो, बाबा मामा के ऊपर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मामा नहीं अच्छी तो हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी मामा बहुत अच्छी हैं, बहुत सादा हैं। बस आपके पापा को जरा चमकती हुई चीजें पसंद हैं, ग्लिटरी ग्लिटरी। तो बनाए ना बच्चों को बिल्कुल वैसा ही जैसे उन्हें पसंद है। बेटा आईना धुंधला होना तो चेहरे नहीं बदलते, गर्द हटाते हैं, वही मैं कर रही हूँ। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह वक्त के साथ। इंशाल्लाह। मरी क्यों जा रही हो? जरा सा सूट ही तो पहन लिया। उतारो अभी फौरन। हफ्सा, इतनी छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा मत किया करो। पहन के देख रही थी कि कैसा लग रहा है। वैसे भी कल मुझे पहन के जाना है ना जरीन की सालगिरह पर। मेरा सूट क्यों पहन के जाना है तुम्हें जरीन की सालगिरह पर? मेरे पास कोई नया सूट नहीं है ना, सब पुराने हो गए हैं। और वैसे भी ये रंग कहाँ जचता है तुम पर, मुझे देखो कितना अच्छा लग रहा है। कोई अच्छा नहीं लग रहा, पुराना हो जाएगा। अभी सिलकर आया था, कितने शौक से सिलवाया था मैंने। कोई पुराना नहीं होगा, सिर्फ 2 घंटे के लिए तो पहनने,
अब ऐसे भी जान क्यों निकल रही है तुम्हारी? अपनी कोई चीज देती हो तुम मुझे? ज्वेलरी तक तो देती नहीं हो। मेरा सूट पहनकर बैठ गई। मैं बड़ी हूँ इसलिए हर चीज का हक मुझे ज्यादा है। जब मैं चली जाऊंगी ना तो सारी चीजें मेरी तुम रख लेना। मैं तो नई चीजें लेके जाऊंगी अपने साथ। तुम कहाँ जा रही हो? शादी नहीं करूंगी क्या मैं? तुम किससे शादी कर रही हो? वही जो बड़ी सी गाड़ी पे आएगा मुझे लेने के लिए। डैशिंग, मेरे ख्वाबों का शहजादा, इंतहाई अमीर। सच बताऊं बच्चों, कभी कभी मेरा दिल करता है कि तुम्हें इस घर से भगा कर ले जाऊं। अगर तुम किसी की माँ या बीवी को भगा के लेके जाओगे ना तो पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाएगी। Hello, hello. Happy anniversary, Kamran. Thank you. Happy anniversary. 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 Thank you. अरे भाभी, आप यहाँ सबसे अलग थलग क्यों बैठी हैं? नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। बोर हो रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ऐसी तैयार रहा करें। जी, थैंक यू। शौहरों को बीवियों का सजना संवरना अच्छा लगता है। सब में गुला मिला करें, आप में किसी चीज की कमी नहीं है सवाए एतमाद के। कोशिश करती हूँ। ऐसी शक्ल बना के क्यों बैठी हुई है? साफ लग रहा है मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर आया हूँ, तुम आना नहीं चाहती थी। दानियाल, ऐसी कोई बात नहीं है। पछता रहा हूँ तुम्हें यहाँ लाकर। ना तुम किसी में घुल मिल रही हो, ना किसी से बात कर रही हो। जब से आए इसी सोफे पर जमी बैठी है। दानियाल, मेरे पैर में मोच आ गई है और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैं क्या बात करूं उन सब से? इसी वजह से नहीं लाता मैं तुम्हें, बिल्कुल इसी वजह से। और अम्मी हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाया करूं। तो
आप फूफो के कहने पे मुझे यहाँ लेके आए थे। और नहीं तो क्या, चार लोगों में ढंग से तुम बात तक तो कर नहीं सकती हो, बैठना तुम्हें आता नहीं है, शर्मिंदा ही होना पड़ता तुम्हें कहीं भी साथ लेके जाके। मेरी तौबा जो आइंदा मैं तुम्हें कभी कहीं साथ लेके गया। सुलझ तो सकती है डोर लेकिन किसे मयसर है इतनी फुर्सत, गुबार हो जाएगा तालुक शरार हो जाएगी मोहब्बत करम न कोई सितम रहेंगे न तुम रहोगे न हम रहेंगे ये जिंदगी जब तक रहेगी कसक खफा है क्या? चुप करके बैठी रहो। पता नहीं मैं तुम्हें लाया क्यों था। दूसरों की बीवियों को देखा था तुमने? कैसे सारी कॉन्फिडेंट बैठी हुई थी, हंस रही थी, बोल रही थी सबसे। अरे तुम कोई सलीका ही नहीं है, ना ही बोलने का ना चलने का। ऐसे लग रहा था जैसे किसी गांव से उठा के लाए हो तुम्हें। सारा वक्त एक कोने पे गुजर गई। जबरदस्ती मुझे हाई हील्स पहनाई थी, मुझे तो सही तरह से चला भी नहीं जा रहा था। अम्मी भी ना बस, ऐसी चीजें तुम जैसी औरतों के लिए नहीं होती हैं। हाँ अब बस रोना शुरू कर दो, इसके अलावा आता ही क्या है तुम्हें। राबिया को क्या हुआ है, रो रही थी क्या? अम्मी जब आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि वो मेरे दोस्तों में लेके जाने के काबिल नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों करती हैं? जबरदस्ती? जबरदस्ती किस चीज की? वो तुम्हारी बीवी है, खुशी खुशी ले जाया करो उसे। खुशी खुशी? खुशी खुशी लेके जाने वाली बीवी और होती है, इस किस्म की नहीं होती। किस किस्म की होती है वो, जरा रोशनी तो डालो इस पर। अम्मी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप उसे मेरे सर पे जबरदस्ती सवार क्यों करती हैं? शादी कर ली है ना आपके कहने पर मैंने। शादी की है तो निभाओ फिर। निभाई तो रहूं और क्या करूं? इसे निभाना कहते हैं? बोझ की तरह तुमने उसे अपनाया हुआ है और इस ताल्लुक को। मुझसे बताएं फिर आप ही क्या करूं मैं। बेटा मैंने अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की थी तुम पर, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे राबिया पसंद है। तुमने अपनी रजामंदी दी थी तब मैं राबिया को ब्याह कर लाई थी। मुझे क्या मालूम था अम्मी, मैं तो खुद दो दो साल के बाद अमेरिका से आया करता था, वो भी कितने कम दिनों के लिए। मुझे लगा माँ आप मेरी, कम से कम मेरी पसंद को तो जानती ही होंगी। हाँ तो क्या बदला है अभी? मैंने तुम्हारे लिए हीरे का इंतखाब किया है। तुम्हें पता नहीं क्यों उसमें खामियां नजर आती हैं। अम्मी देखे मेरी बात गौर से और तहम्मुल से सुन ले, वो किसी तरीके से भी मेरे मिजाज को मैच नहीं करती है। बदलो अपने मिजाज को, वो तुम्हारी सिर्फ बीवी नहीं है, तुम्हारे बेटे की मां भी है। इस किस्म की फजूल बातें करके अपने घर का सुकून मत खराब करो, और खबरदार जो आइंदा तुमने इस किस्म की बातें की हैं। और हां बेटा, बीवियां इसलिए नहीं होती हैं कि उन्हें फखर के साथ दोस्तों में ले जाया जाए, बीवियां घर की इज्जत होती हैं, दिल का सुकून होती हैं। लेकिन तुम्हें पता नहीं ये बातें कब समझ में आएंगी।
आप फूफो के कहने पे मुझे यहाँ लेके आए थे। और नहीं तो क्या, चार लोगों में ढंग से तुम बात तक तो कर नहीं सकती हो, बैठना तुम्हें आता नहीं, शर्मिंदा ही होना पड़ता तुम्हें कहीं भी साथ लेके जाके। मेरी तौबा जो आइंदा मैं तुम्हें कभी कहीं साथ लेके क्या देखा जा रहा है? बच्चों, तुम रो रही हो? नहीं तो मैं भला क्यों रोऊंगी? मुंह पर झूठ। झूठ नहीं बोल, और तुम हर वक्त मेरे लिए परेशान क्यों रहते हो? सच बताऊं बच्चों, कभी कभी मेरा दिल करता है कि तुम्हें इस घर से भगा कर ले जाऊं। अगर तुम किसी की माँ या बीवी को भगा के लेके जाओगे ना, तो पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाएगी। अपना वो छोटे से घर बहुत याद आता है बच्चों, जहां मैं तुम और अब्बा होते थे। तुम शादी करके फूफो के यहां चली गई, तब भी सब कुछ ठीक था, बस अब्बा के इस दुनिया से जाने के बाद सब गड़बड़ हो गई है। तौबा करो फसी, ये चीज इंसान के अख्तियार में थोड़ी होती। हाँ तो क्या था अगर वो दुनिया से ना जाते? फसी, वो इतना ही वक्त लगवा के आए थे। मुझे तो बेघर कर दिया ना उन्होंने। बेचारे अब्बा, सारी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की और अपने लिए घर भी ना बना सके। बच्चों मैं यहां नहीं रहना चाहता। दानियाल भाई के रवैये और उनकी नजरों से मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो मैं भी नहीं चाहती कि तुम यहां रहो फसी। यकीन करो, मैं भी तुम्हारे लिए दुआ गो हूं कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, अपना घर बना सको। देख लेना बहुत जल्द। फूफो पहले मुझे सेट तो होने दे, सबसे पहले मैंने घर लेना है, चाहे किराए का हो। बेटा घर क्यों? क्यों मैं? क्या अपनी बीवी के बोझ में हमारे सर पे डालेगा? उठाने दे से अपनी जिम्मेदारी। क्या हो गया तुम्हें? लड़का भी पता नहीं कहाँ रह गया है, ठंडी हो जाएगी। गया होगा किसी खास मिठाई की दुकान पे खास मिठाई बनवाने। तो क्यों ना जाए खास दुकान पर खास मिठाई के लिए, खास खुशी भी तो है। पापा, मामू की प्रमोशन हुई है और उन्होंने मुझसे वादे किया है कि वो इस खुशी में मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट दिलाएंगे। शट अप सारे, तुम्हें किसी चीज की कमी है जो तुम इस तरह के गिफ्ट पे खुश हो रहे हो? बेटा क्या हो गया है, मामू की खुशी में खुश हो रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम। आ गए बेटा, बड़ी देर कर दी। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ये ले। ऐसे नहीं भाई, अपने हाथ से सबको मिठाई खिला। यम। अम्मी क्या कर रही हैं आप? आपको मना है ना मीठा? भाई डॉक्टरों ने ये तो नहीं कहा है कि बच्चों की खुशी में मुंह बंद किए रखूं? थोड़ी सी मिठाई से कुछ नहीं होता है मुझे। दानियाल भाई, I don't like sweets, तुम्हें मालूम है ना। दानियाल, प्लीज खा लो, एक दिन अगर डाइटिंग नहीं करोगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी,
भाई नहीं खाओगे तो उसको अफसोस होगा बड़ा, खा लो। थैंक यू। मामू आप मुझे भूल गए? अरे मैं अपने लाडले को कैसे भूल सकता हूँ बेटा, पहले बड़ों का हक होता है ना, यानी पहले दादो, फिर बाबा, फिर मामा, फिर मैं और फिर आप। मामू आपको सारी तकलीफ याद है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा बेटा हर चीज में सबसे आखिर में क्यों आता है। सबके मुकाबले में उसे इस तरीके से डिग्रेड मत किया करें। किसके मुकाबले में? आप अच्छे तरीके से जानती हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दानियाल, पप्पो वो मेरी बात कर रहे हैं, मुझे सारिम से पहले अपने आप को गिनना नहीं चाहिए था। नहीं बेटा, इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, यहाँ रिश्तों की बात हो रही है, मजाक हो रहा है, बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाता है ये। छोड़े पप्पो, आप जानती हैं ना उन्हें, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। शुक्रिया रहमत, रोटियां लेकर आ जाओ प्लीज, बड़ी भूख लग रही है। भाई जीनत बुआ ने फसी के लिए बहुत अच्छी लड़की बताई है, एक दो दिन में हम चल रहे हैं उसे देखने के लिए। फो, अभी तो मेरी प्रमोशन हुई है और आपको अभी से मेरी शादी की फिक्र हो रही है। बेटा तो इसमें हर चीज क्या है, अच्छी लड़कियां कोई रिश्तों के इंतजार में नहीं बैठी रहती। अच्छी लड़कियां? हाँ, रिश्तों की लाइन लगी हुई होती है। बिल्कुल, जैसे आपके बहू के आगे लाइनें लगी हुई थी, तभी तो आपने फौरन मुझसे शादी करा दी। राबिया का जिक्र क्यों आ गया बीच में, क्या खराबी है इसमें? मम्मी प्लीज मेरा मुंह ना खुलवाए। अच्छा छोड़े ना पप्पो, आप फसी के रिश्ते के बारे में कह रही थी। हाँ बेटा, बस फसी की जिम्मेदारी रह गई है मुझ पर, अच्छी सी लड़की से इसकी शादी हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं फारिग हो जाऊंगी अपनी जिम्मेदारी से। पप्पो पहले मुझे सेट तो होने दें, सबसे पहले मैंने घर लेना है, चाहे किराए का हो। बेटा घर क्यों? क्यों मैं? क्या अपनी बीवी के बोझ भी हमारे सर पे डालेगा? उठाने दे से अपनी जिम्मेदारी। क्या हो गया तुम्हें, दिमाग खराब है तुम्हारा? कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम? पप्पो दानियाल भाई सही कह रहे हैं, मुझे अपने घर का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। कते नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अरे इसमें हर चीज क्या है? ठीक है चले जाना, जब मैं मर जाऊं तब। पप्पो पप्पो प्लीज रिलैक्स, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हो गया अम्मी, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है इस बात का, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा सारे चुप, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते। मैंने कह दिया कोई कहीं नहीं जा रहा है। कोई कहीं नहीं जा रहा अम्मी, प्लीज खाना शुरू करें। वो भी मेरी बहू होगी, उसे मैं कैसे कहीं जाने दे सकती हूँ। बेटा खाना लो। आप ही सुना है तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे? हाँ सुना तो मैंने भी है, मगर तुम हमेशा की तरह उन्हें भी टहला दोगी? हाँ अगर ये भी उन जैसे हुए तो। आखिर कैसा रिश्ता चाहिए तुम्हें? सबसे अलग, सबसे मुनफरिद, जो बड़ी सी गाड़ी मुझे लेने के लिए आएगा। आप ही आखिर बड़ी गाड़ी वाले हमारे छोटे से घर में क्यों आएंगे? क्यों नहीं आ सकते, मुझ में क्या कमी है? सिर्फ शक्ल ही तो अच्छी है ना? हाँ लड़कियों की शक्ल ही देखी जाती है। मेरी प्यारी बहन, जब खूबसूरत सी बहू घर में आती है तो घर में चांदनी फैल जाती है। हाँ चाहे वो खूबसूरत बहू घर आकर घर का सुकून ही बर्बाद कर दे। तुम्हें ऐसी लगती हूँ मैं? सॉरी आप ही बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ल पर नाज बहुत है। हाँ
वो तो है। चलो अल्लाह करे आने वाले लोग तुम्हारी सोच के मुताबिक ही निकले। वैसे अम्मी बताई भी काफी अमीर लोग हैं। हाँ सुना तो मैंने भी है। बस अब लड़के को देखना बाकी है, फिर फैसला होगा। जी नहीं, उसका फैसला भी मैं करूंगी कि मुझे इस लड़के से शादी करनी भी है या नहीं। अगर वो तुम्हारी सोच के मुताबिक इतना डैशिंग ना हुआ तो साफ इनकार। मेरे ख्वाबों का शहजादा तो बहुत ही डैशिंग और इंतहाई अमीर होगा। अच्छा आखिर तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा है कहाँ? होगा कहीं अरीब करीब, झट से मेरे सामने आएगा और मुझे हैरान कर देगा। बेटा मैं तुम्हारी फूफो और सास बाद में हूँ, पहले तुम्हारी माँ हूँ, दोस्त हूँ। अगर मुझसे दुख सुख शेयर नहीं करोगी तो किससे करोगी? मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ मैं उनके मयार पे पूरी उतर ही नहीं पाऊंगी। अम्मी मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, अगर वो लोग मेरे मयार पे पूरे नहीं उतरे ना तो मैं साफ इनकार कर दूंगी। जीनत हुआ बता रही थी कि बहुत अच्छे खाते पीते घराने के लोग हैं, इतना बड़ा तो घर है उनका, ईमान तो बहुत प्यारी है। भाई साहब फौजिया बहन आप हमारी तरफ से हाँ ही समझिए। तो फिर आपका क्या ख्याल है बीवी को कैसे होना चाहिए? हसमुख चंचल, जिसे देखते ही जिंदगी से प्यार हो जाए। तुम्हारी तरह हर वक्त रोती बसूरती औरत नहीं। सकती है डोर लेकिन किसे मयस्सर है इतनी फुर्सत, गुबार हो जा।